हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, अपनी दिवाली की तैयारियों में एकदम बिजी होंगे, खूब व्यस्त होंगे। जी हाँ, तो मेरी आवाज़ जा चुकी है, मेरी तबीयत एकदम नहीं सही है, लेकिन जो जो थोड़ी थोड़ी सफाई, जो डीप क्लीनिंग करनी ही है, और वो मैं कर रही हूँ। और ये 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा जो क्लिप लिया है मैंने, ये एक दिन बालकनी सफाई हुई थी, आगे के वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जो बर्तन वाला आप देखेंगे वो दूसरे दिन हुई थी। तो मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। और ये मैं हाल फिलहाल दिखा रही हूँ दोनों बालकनी का, सफाई के पहले का क्या हाल है। प्लांट यहाँ पे अभी लगाने का सीजन शुरू हो गया है फिलहाल, समर में पिछले 4 महीने से इतने प्लांट्स हमारे बचे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और शुरू करते हैं सफाई, और फिलहाल बालकनी मेन होता है, बाकी सफाइयाँ तो हमेशा ही होती रहती हैं। ये देखो धूल, अरे बाप रे, इसे कहते हैं धूल बहुत ज्यादा धूल हो गई है, इसके पूरा बहुत धूल जम ज्यादा गया। धूल है, अरे गजब। ये देखो भाई, नेट एकदम क्लीन हो गया ना पानी बस डालने से। अभी मैं नीचे की सफाई करूंगी। थैंक यू हस्बैंड, हस्बैंड की इतनी हेल्प मिली है मुझे, ऊपर से डालना था। ये देखिए धूल मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो ये वाला कपड़े वपड़े से ऐसे कुछ साफ नहीं होता, सीधा पानी डालना पड़ता है ढेर सारा। वो भी एकदम क्लीन हो गया ना, अरे होए होए, अब ऐसे भी निकल गया है। पता नहीं क्या मेंटेनेंस वाले आते नहीं, बनाते नहीं, हमें क्या करना है। ये वैसे भी बंद खुलता ही नहीं, इसी में मैं अटका के रखती हूँ, सेफ्टी भी रहता है ना। हम लोगों का विंडो थोड़ा सा ऐसे है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही प्लांट इसलिए लगा के रखती हूँ ना, ऐसे भरा रहे, कि ये डेंजर वाला है ना, ये ग्रिल वाला, सिंपल कांच वाला नहीं है ना। ये कहते हैं दिवाली की सफाई ना, पूरा एकदम वॉल पता नहीं कैसे ऐसे बनाया है ना, कि इसमें धूल आके चिपकती है अच्छे से। पानी कितना पसता है पूरा नीचे तक, एकदम ना धूल निकल, एकदम चमक गया। अदू हटो, बारिश हो रही है, उधर का वॉल भी ऐसे धो दो। हाँ चमक गया ना पूरा, एकदम धोने लायक ही है, इसको कपड़े से पोंछ नहीं सकते। ये देखो जाली का हाल देखो, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतनी मिट्टी ये वाली निकाल के रखे हैं, और सारे गमले धोने के लिए डाली हूँ। और ये देखिए बालकनी एकदम मेरी चमक चुकी है, ये देखिए चमाचम बालकनी बन गई है। यहाँ से भी एकदम साफ हो गया है सब कुछ। और ये देखिए अभी बस प्लांट्स लगाना बाकी, एकदम ये वाला, ये सब एकदम धो दिया है अच्छे से, एकदम सब साफ हो गया है। ये देखिए ये वाली बालकनी भी एकदम चमक गई, और इधर कचरा मैं काफ़ी सारा इधर करती हूँ। ये वाला जाली टूटा हुआ है बहुत टाइम से, पता नहीं मेंटेनेंस वाले बनाते ही नहीं, हमें भी क्या पड़ी है। और ये पिजन कब से मैं सोच रही हूँ ये उड़ जाए, उड़ ही नहीं रही है। ये देखिए कचरा साफ करी हूँ, यहीं पे आके बैठी है, लग रहा है इसने प्लान बनाया था यहाँ पे मैं घर बनाऊंगी। एकदम वाइट है, कितनी प्यारी लग रही है देखो। अभी ये उसके पीछे चली गई है टेबल के पीछे, ये डाइनिंग टेबल मैंने यहाँ निकाल के रख दिया, क्योंकि डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा है, लगभग 6 सीटर 8 सीटर है। और लेकिन अच्छा मैं पास जितने आ रही हूँ वो डर भी नहीं रही, इतनी पास आ रही है, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ पिजन इतनी पास है। देखो मैं मोबाइल भी कितने पास ले गई, एकदम पास है काफी। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बालकनी एकदम मेरी चमक गई है, और ये पिजन जो है जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं इसको क्या है कि इसको यहीं पे रहना है बेचारा। मेरा डाइनिंग टेबल साइड में पड़ा है, आज हम लोग लगाएंगे लाइटें, पता नहीं क्यों यही है, ये सब ना इतना पॉटी करते हैं, वही फिर कहानी मेरी अभी मैंने अभी देखो वो भी कर दिया है दोस्तों। ये देखिए इतना मैं क्लीन करके गई, उसके बाद अभी कर दिया, वहां बैठ के आराम से कर रहा है वो जो भी करना है उसको। हे भगवान, हे भगवान, दुबई का वेदर बहुत अच्छा होने लगा है अभी, मस्त घूमने फिरने वाला, बारबेक्यू वाला। चलिए सारा बर्तन जो भी है, छोटे से लेके बड़े तक मैंने बर्तन जितनी भी कटोरियाँ ग्लास सब कुछ था, अच्छे से उसको वॉश कर दिया है। तो दिवाली की सफाई में सबसे मेन चीज़ ये आती है,
और ये जैसे ट्रे भी जो होता है ना वो भी मैंने स्टील का लिया हुआ है, और इसमें ऐसे ही बर्तन है, एक भी कुकिंग पॉट नहीं है। तो ये देखिए करवा चौथ पे जैसे ये वाला मैंने लिया था ना, तो इसी को डेकोरेट किया था, तो अभी ये मुझे ट्रे की तरह या थाली की तरह यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे ये जैसे ट्रे आप देख रहे हैं ये स्टील का है, और वो वाला जैसे ट्रे देख रहे हैं वो स्टील का है, तो ये मैं ऐसे ले लेती हूँ। ये वाला ट्रे भी है, तो ऐसे वाले बर्तन हैं, ऐसे वाले, तो ये वाले ऐसे जो बर्तन हैं हाँ ये ड्रेन करने के लिए कुछ भी, तो इस सब में ऐसे ही वाले सारे बर्तन हैं। मिक्सिंग बाउल कई तरीके के बड़े बड़े जो ऐसे ऐसे, तो सारी ही चीज़ें मेरी मोस्टली स्टील की होती हैं, तो सारे बर्तन मैं एक साथ। अब इसमें देखिए कुकर भी नहीं है, प्रेशर कुकर भी नहीं है इसमें, और वो तो इन सबको अभी मैंने वॉश किया एक साथ, तो इसको अभी रख दूंगी, उसके बाद फिर और जितने बर्तन हैं। तो ये मैं एक बार दिखाना चाहती थी बर्तनों का कलेक्शन हर साइज़ के, जैसे ऐसे वाले भी मैंने ये वाले भी लेके रखे हुए कभी कभी, जैसे ये ना जैसे जहारत में 1 to 10 में, ये सब बहुत यहाँ पे ना हल्का होता है और सस्ता मिल जाता है, 20 दिरम 30 दिरम, ये सब देखिए ये वाले जैसे 10 दिरम 15 दिरम में ऐसे मिल जाते हैं, और साइज़ इतनी बड़ी होती है ना कि आपको जैसे लड्डू बनाना हो कुछ बनाना हो तो उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो चीज़ें जैसे ठोस बर्तन जो है वो तो थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन ऐसे वाले जो बर्तन होते हैं ना पतले पतले जो रोज़ यूज़ नहीं होते लेकिन मिक्सिंग के लिए कभी कभी यूज़ होते हैं, तो वो सब मैंने ले लिया है। और थालियाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से सर्व करूँ कटोरी लगा के, तो ये सब भी है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे सब मोस्टली डिस्पोजल बर्तन यूज़ होते हैं, तो मैं एक एक नहीं दिखा पा रही हूँ आपको। मेरी आवाज़ आपको लग रही होगी कैसी, क्योंकि बहुत सर्दी हुई है, मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। और बस ये है, उसके बाद अभी कुकिंग का जितना आइटम है मैं एक वीडियो में बस शेयर कर चुकी हूँ, आज भी एक साथ धोऊंगी ना तो एक साथ एक शॉट लेके आपको दिखा दूंगी, तो दो बार में होगा, एक बार में नहीं होगा क्योंकि किचन में भी इतनी जगह नहीं है। तो एक बार पहले इसको, ये सूख गया है, इसको रख दूंगी, फिर दोबारा बस लगी हुई है दोस्तों ये देखिए। और ये मैं दिखा रही हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहती गिफ्ट लेना देना ये वाला मैं पार्ट अभी फ़िलहाल दिखाती नहीं इतना, जैसा कि आप लोगों को पता है, लेकिन ये गिफ्ट मुझे बर्थडे में मिला था, और कितना प्यारा सा कप है ये देखिए, एकदम छोटे छोटे साइज़ का क्यूट सा है, मैं देखती हूँ और क्या क्या है, पूरा सेट है ये। ये देखिए ये प्लेट है, पूरा कवर है, मैं इसको खोलूँगी नहीं, ये ऐसा प्लेट है एग एग शेप का, ये कितना प्यारा है ये देखिए, बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही प्यारा है ये, छोटी छोटी प्यारी प्यारी कटोरियाँ देखिए। तो ऐसे क्रॉकरी के बर्तन मुझे बुरे लगते हैं ऐसा नहीं है, मुझे स्टील के बर्तन ही लेती हूँ मैं अपने से लेना होता है तो, लेकिन मुझे गिफ्ट मिला है तो अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भी देखिए अंदर कप इतने सारे पड़े हैं, दो जो भी बाउल थोड़े से माइक्रोवेव में यूज़ होते हैं वो वाले, और बस इतने ही क्रॉकरी आइटम रहते हैं मेरे, और अंदर देखिए बहुत सारा ऐसा सामान है जो बहुत कम यूज़ होता है तो वो रख दिया गया, मतलब बहुत ही यूज़ नहीं करती मैं, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे देखिए जितने भी ये चॉपर ये है मेरे लकड़ी के और प्लास्टिक के, ये सब भी अच्छे से मैंने आज वॉश किया है इसको भी। तो फाइनली ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मैंने ढक्कन लगा के रखा है, नहीं जल्दी जल्दी मैं किचन में अभी काम कर रही हूँ तो जल्दी से मैं उसको रख देती। मैं एक तरह से आपको बर्तन का ये दिखा देती हूँ, जो भी कुकिंग पॉट मेरे पास है फाइनली सब कुछ है इसमें, एक चाय का स्टील का और है मेरे पास, वो नहीं है, बाकी सारे हैं। तो मैं इधर से शुरू करती हूँ और जिसमें लिड नहीं है, तो ये है मेरा तवा, ये भी ये नॉर्मली हार्ड एनोडाइज जो होता है ना वो है नॉर्मल ब्रांड, ये शॉप से ख़रीदा हुआ है इंडिया से ही। और ये सारे पैंस हैं ऐसे वाले, ये पैंस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है डिटेल में, बड़ी हिम्मत नहीं होती एक साथ पूरा ऐसे निकालना दिवाली में, ऐसे सब साथ निकला हुआ था, मैं दिखा दे रही हूँ। ये आइकिया का पैन है, और ये मैंने कैरीफोर से लिया था, इसका मैंने शुरू में ना ये इसका चाय का और ये साथ में लिया था, तो चाय वाले का क्या हुआ ये हैंडल निकल जाता है, तो ये जो अलग से लगा होता है ना ये निकल जाता है, तो वो कहीं ऐसे रखा हुआ है तो इंडिया चला गया होगा। और ये देखिए ये मेरा जो है दो पेन, तो मेरा मोस्टली सारा ही मैंने वो कर दिया है, क्या बोलते हैं
नॉनस्टिक ख़त्म कर दिया, मेरी आवाज़ एकदम बोलने लायक, मेरी तबीयत भी नहीं है। दिवाली की सफाई करनी कर रही हूँ इसलिए मैं वीडियो भी ले रही थोड़ा थोड़ा, आप समझ सकते हैं दोस्तों। और ये आइकिया का मेरा पूरा सेट है, ये पैन है, ये दो एक तरह का है, ये 4 लीटर वाला है, और ये वाला जो है ये बड़ा वाला है। तो ये ऐसे हैं, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये बहुत पसंद आता है सबको। तो ये आइकिया की जो शॉपिंग में आप जैसे धनतेरस पे लेना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ ज़रूर ले सकते हैं। अगर आपको कुकिंग में कुछ ख़रीदना है तो आइकिया का जो भी है, और एक ये भी है जिसमें ये वाला है ना, तो ये इसमें हैंडल ऐसा लगा हुआ है, और इसमें जैसे ऐसे नहीं लगा, ये बिरयानी पॉट समझ लीजिए छोटा वाला है, और ये बड़ा वाला है। तो ये तीन एक साइज़ का, इसका ढक्कन तीनों का एक साइज़ का है, और ये दोनों सेम है। ये चाय के लिए मैंने लिया था, और एक दूध के लिए, शुरू में ही मैंने ये सारा सेट ले लिया था आइकिया से। तो आइकिया में ये सारे सेट मिलते हैं, आप अलग से भी ले सकते हैं, या तो अपना कलेक्शन भी बनाना हो तो आप बना सकते हैं। ये बहुत ही सही है, ये जितने भी आते हैं इसमें ना, और एक ये, तो आजकल इसका भी ढक्कन आने लगा है मेरे ख्याल से, तो जिस टाइम मैंने लिया था उसमें ढक्कन था। इससे बड़ी साइज़ का भी एक पैन मिलता है, और ये जो 4 है ये पूरा आइकिया में मिलता है। बहुत ही मतलब ये लाइफ टाइम वाला बर्तन है, आपको कभी भी ख़राब नहीं होगा, एक बार आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो वैसा वाला है। ये विनोद की 2 कढ़ाई मेरे पास है, तो विनोद की कढ़ाई तो स्टील की मुझे लेनी ही थी, तो ये मैंने ली थी, तो ये बड़ी हो गई थी। तो ये वाली देखिए, ये सेम ये ऐसे क्या बोलते हैं, छिछिल जैसा है, और ये एक्स्ट्रा डीप वाला है। तो दोनों ही यूज़ होते हैं मेरे घर में, तो ये तो गलती से मैंने साइज़ नहीं समझ में आया, तो ये भी ऑनलाइन आया था और ये भी ऑनलाइन, तो दोनों ही रख लिया था मैंने। ये मतलब इसके मंगाने के 2 साल पहले ही आया था, ये तो लास्ट ईयर मैं अभी आई हूँ तो लेके आई हूँ इस ये वाला एक्स्ट्रा डीप, मैंने सोचा एक ले लेते। तो ये साइज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो थोड़ा कम होता है। तो ये हो गया आइकिया का, और ये पैन, और इधर चलते हैं तो आपको मैं अपना 4 कुकर दिखा देती हूँ, जो कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। ये 3 कुकर सेम ही है, यहीं से लिए हुए हैं। ये वाला एक्चुअली बॉम्बे से लिया हुआ है, पहले सबसे ये लिया गया था, और ये वाला दोनों यहीं से मैंने लिया है लुलू से, ये सेट में आया था शायद ऑफर में। तो ये वाला मैंने इंडिया से इस बार लाया, जिसका रिव्यू दिया है, बर्गनर का बेस्ट कुकर है ये देखिए। तो ये बहुत ही सही है, जिसको प्रेशर कुकर लेना है दिवाली पे ना, तो इसको ले सकते हैं। इसमें प्रेस्टीज में क्या होता है ना, ये सब वॉल जल्दी जल्दी ख़राब होते रहते हैं, थोड़ा सा इसके कंपेयर में हल्का भी है कुकर का वेट, और ये सैंडविच बॉटम है, तो आजकल तो हर चीज़ ट्राई प्लाई वाली जो चल रही है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, ऐसे ट्राई प्लाई वाली है ये, तो इसका वेट बहुत है, वेट इससे ज़्यादा इसके ढक्कन का वेट है। तो ये चीज़ मुझे लगता है प्रेशर कुकर में होनी चाहिए। बहुत मेहनत करके बोल पा रही हूँ, काम तो जो कर रही हूँ बोलने में। तो ये वाला बर्तन जैसे मैंने बताया है, ये मेरा बर्तन एक है जो इंडिया से मेरे साथ आया है, ये दिल्ली में मैं शुरुआत में जब अपनी गृहस्थी में शुरू कर रही थी तब मैंने लिया था। ये बहुत सही, ये बिग बाजार से लिया था, एंबियंस वॉल बसंत कुंज। तो ये मुझे बहुत मेमोरी वाला चीज़ है मेरे लिए, तो इसमें जब खीर बनाती हूँ ना तो जल्दी से मैं यही वाला पॉट उठाती हूँ। तो और ये वाला जो है ना, ये हम लोगों को गिफ्ट मिला था, ये सब होम सेंटर का है सेट आता है, इसका 2 पैन भी है, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, ये 2 पैन जो है ये इसी का पैन है, और ये इसका भी लीड ले सकते हैं। एक्चुअली मैं एक चीज़ देखी हूँ वहाँ पे, क्या बोलते डे टू डे जो करामा वाला आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, बहुत सही है, तो उसमें ना लिड हर तरह की मिलती है, ऐसी लिड आपको, ऐसे ट्रांसपेरेंट वाली, हर साइज में कोई भी बर्तन आपको चाहिए आपका खो जाता है, टूट जाता है, जैसे मेरे इन सब बर्तनों को लिड नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लिड हर तरह का वहाँ पे, ऐसा वाला ट्रांसपेरेंट वाला बहुत ही सही है, ऐसे ही होलता उसमें, और देखने में मतलब 20-25-10 दिरम ऐसे, तो प्राइस भी समझ में नहीं आता इतना सस्ता है लोग कैसे दे देते हैं। तो वो मुझे लेना है, थोड़ा सा वही था कि नाप के लेना पड़ता है। कढ़ाई मेरे पास 4 है, अभी 4 हो गई हैं, ये इंडिया से आई थी, ये यहीं से ली थी, मुझे याद है शारजा से
आया था, ये भी इंडिया से लाया और ये यहीं से लिया था। तो ये चार कढ़ाई है, मैं जानती हूँ इसकी हालत बहुत सही नहीं है, इसको और सुधारा जा सकता है, लेकिन इसमें मेहनत करने की अभी मेरे पास पावर नहीं है। मैं एक बार बैठूंगी ना तो चारों को बहुत अच्छे से, अभी सासू माँ देखेंगी ना ऐसे तो उनको लगेगा ये यही करती, कढ़ाइयाँ जो खराब हो जाती है एक्चुअली मैं ना फिर मम्मी के पास पहुँचा देती हूँ इंडिया में ससुराल में, तो वो ज़्यादा जल्दी साफ कर लेती हैं। और ये दो कढ़ाई है, तो ये चार कढ़ाई और दो छः कढ़ाई, छः कहाँ सात हो गई, सात कढ़ाई मेरे पास है और चार कुकर और ये सब बर्तन। तो कुकिंग रेंज जितने भी चाहिए होते हैं सारे ही मेरे पास हैं। पैंस ये वाले हैं और ये वाला मेरा तवा भी बहुत अच्छा है, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी ना इसमें पराठा जैसे हस्बैंड बनाते हैं तो इसी पे बना देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए तो इसमें ये काला हो जाता है, कभी कभी आपने वीडियो में देखा होगा। और मैंने ये पूरा क्लीन कर दिया, ये देखिए तो क्लीन भी बहुत अच्छा हो जाता है ये वाला। बस दोस्तों चाय बन रही है, सुबह से लगे हुए ना एकदम हालत खराब हुई। ये मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये बर्तन के नीचे लगा रहता है, ऊपर लगा रहता है ये रैक, ऐसे वो क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लगा के मैंने रखा हुआ है ये बर्तन। स्ट्रेनर्स जो कई तरह के हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये स्ट्रेनर्स भी मोस्टली मैं प्लास्टिक के बहुत यूज़ नहीं करती हूँ, एक दो है मेरे पास जो बहुत कम यूज़ होते हैं और ये बहुत ही यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा दिन भर में हर कुकिंग के टाइम ये यूज़ होते हैं, जैसे छलनी भी रखी हुई है यहीं पर, ये क्रशर भी रखा हुआ है, ये सब चीज़ें ऐसा दो है और मतलब एक और मेरे पास है, तो ये सब चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं और ये यहीं पे पड़ी रहती हैं। तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का मतलब ये था पूरा, ये दिखाने का कि आपको जैसे नए बर्तन खरीद रहे हैं तो कौन सा बर्तन ज़रूरी है, नया किचन भी सेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो अभी तक तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे मेरी क्या हालत है, एकदम मतलब ऐसा जूर में अभी हुआ था मुझे रिसेंट में, पता नहीं मेरी तबीयत ऐसे यहाँ पे ना इन्फेक्शन ऐसे सर्दी खांसी, ये वेदर जो चेंज हो रहा है ना ऐसा जब चलता है तो लॉन्ग टाइम तक हो जाता है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन, और इसके चक्कर में ना मेरी दिवाली ना ख़राब हो जाए। आप भी प्रे करिए और मैं भी प्रे करती हूँ, बहुत ही बुरा हो जाएगा तब, और मैं जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहती हूँ। मेडिसिन भी मैंने लिया है, डॉक्टर के पास भी गई थी, सारे चेकअप्स भी हुए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस जो सीजनल चल रहा है वही है। और जब यही मैं दिखा रही थी आपको कैसे कैसे मैंने सेट किया है नीचे का एरिया, ऐसे बर्तन में रखती हूँ और हर जगह हर चीज़ की जगह बड़ी फिक्स है और चीज़ें मैं जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, सबको पता है, तो वो मुझे भी बड़ा कम्फर्टेबल होता है। तो जो भी है जैसा भी है मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और हैप्पी दिवाली इन एडवांस दोस्तों।